शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के पक्ष प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का 63वां जन्मदिन है, जिसके उपलक्ष में पूरे राज्य में ठाकरे गुट कार्यकर्ता विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अभिष्ट चिंतन कर रहे हैं। उसी बीच हिंगना के कार्यकर्ताओं ने शहर में भावी प्रधानमंत्री उद्धव ठाकरे ऐसे बैनर लगाकर उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। दरअसल राज्य की सियासत में पिछले कुछ दिनों से बैनरबाजी का सिलसिला जोरों पर है, जहां अभी तक भावी मुख्यमंत्री लिखे हुए बैनर सियासी दलों के कार्यकर्ताओं ने लगाए थे, लेकिन आज शिवसेना ठाकरे गुट हिंगना के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के लगाए हुए भावी प्रधानमंत्री के बैनर सियासी परिपेक्ष में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वक्त प्रतिक्रिया देते हुए उप जिला प्रमुख रवि जोड़ांगड़े और वाना डोंगरी शहर प्रमुख समाधान माने ने उद्धव ठाकरे को समक्ष नेता बताया और भविष्य में जरूर उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री के रूप में उभरेंगे ऐसा विश्वास जताया। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं आगामी चुनाव को कुछ ही दिन का समय बचा हुआ है और इसी बीच महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह से गर्मा चुकी है। दर्शकों, आज है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव बालासाहेब ठाकरे का जन्मदिन, जिसके उपलक्ष्य में उनके कार्यकर्ताओं ने हिंगना मार्ग पर स्थित एक बैनर लगाया है, जहाँ कि स्पष्ट रूप से भावी प्रधानमंत्री उद्धव ठाकरे लगाया गया है। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरें, जहां की स्पष्ट रूप से लिखा है भावी प्रधानमंत्री उद्धव ठाकरे अन्ना वाढदिवसाचा हार्दिक शुभकामना, अर्थात भारत के भावी प्रधानमंत्री के रूप में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे कार्यकर्ता उन्हें देख रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं देश की राजनीति में और राज्य की राजनीति में बैनरबाजी काफी जोरों शोरों से चल रही है। देखा जा सकता है कि कहीं कहीं माझी मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री ऐसे भी बैनर लगाए गए थे, भावी मुख्यमंत्री के तौर पर बैनर लगाए गए थे, लेकिन आज उद्धव बालासाहेब ठाकरे द्वारा लगाया गया है बैनर कहीं ना कहीं उनके जोश को तो दिखाता ही है, लेकिन सवाल यही उपस्थित होता है कि सिर्फ लोकशाही में, जनतंत्र में प्रधानमंत्री बने या ना बने, बैनर पर नेता प्रधानमंत्री जरूर बन चुके हैं। दर्शकों, आज है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव बालासाहेब ठाकरे का 63वां जन्मदिन, जिसके उपलक्ष्य में जैसा कि हमने देखा बैनर लगाए गए हैं, काफी जोरों शोरों से शिवसेना कार्यकर्ता उनका जन्मदिन मना रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शिवसेना के पदाधिकारी, जिनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से आज का ये जन्मदिन मनाया जा रहा है, किस प्रकार से उद्धव बालासाहेब ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री है, किस प्रकार से आज उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन सी उपाय योजना इस अवसर पर आपने की? जी, हमारे सम्माननीय उद्धव जी ठाकरे जी को हम देश के पंतप्रधान देखना चाहते हैं। जिस समय पक्ष प्रमुख करके काम करते थे, हमें ऐसा लगता था कि हमारे कुटुंब प्रमुख है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार में 2019 में जब वो सीएम बने, मुख्यमंत्री बने, तो ऐसा लगा कि जिस आदमी को शासकीय अनुभव नहीं था, लेकिन महाराष्ट्र नहीं तो पूरे देश ने उनका काम करने की कार्य पद्धति देख चुके, इसलिए हमें ऐसा लगता कि ऐसा नेतृत्व अभी देश में चाहिए। कोरोना काल में जब 2 साल का ऐसा विषय आया था कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस जगह पे हर काफी करीब लोग मर चुके कोरोना में, लेकिन महाराष्ट्र की स्थिति को इतने अच्छे से साहब ने हैंडल किया कि लोगों को ऐसा पुकार हुआ कि ये आदमी देश का पंतप्रधान बनना चाहिए। वो तो ठीक है, जिस प्रकार से देखा जाता है कि ये जनतंत्र है, जनतंत्र में जो राजा होता है वो वोट की पेटी से जन्म लेता है, और जैसा कि देखा गया है कि शिवसेना का शिंदेगढ़ के अलग होने के बाद काफी मात्रा में नुकसान हुआ है, और ऐसे में आपने प्रधानमंत्री के बैनर लगा दिए, भावी प्रधानमंत्री के रूप में आप उद्धव बालासाहेब ठाकरे को देखना चाहते हैं, इसके रूप में आप क्या काम कर रहे हैं और किस प्रकार से संगठन कार्य के लिए, मजबूती के लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं, जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्या विशेष कार्य करने वाले हैं? कुछ हमारे पार्टी में से लोग गए, ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने नेता बनाया है, ये अपनी संतरा नगरी है, हर साल संतरा के पेड़ों पे संतरा लगते हैं और टूटते और चले जाते हैं, इस प्रकार का है, लेकिन जहां से जड़े हैं, जो शिवसैनिक है, जिनने आमदार और खासदार और मंत्री बनाए, वो आज भी शिवसेना के साथ में, बड़ी ताकत के साथ में, ये दूध के ऊपर की मलाई गई है, दूध जैसे कैसे दोबारा गर्म करेंगे दोबारा मलाई बनेगी, और काफ़ी अच्छी हमारी संगठन में और राज्य में नहीं तो केंद्र में सरकार में राज करेगी रहेगी। आज उनके जन्मदिन के उपलब्धि में बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए, कई रक्तदान शिविर है, कई जगह छतरी वाटप का कार्यक्रम है, कई हॉस्पिटलों में फल वाटप का कार्यक्रम है, शाम को श्री साई बाबा मंदिर में आज गुरुवार होने के कारण उनकी आरती रखी गई, ताकि उनकी
आने वाले राजनीति में बहुत अच्छी पकड़ होना चाहिए, देश के पंता प्रधान बनना चाहिए, इसलिए हमारे ऐसी आशा हिंगना विधानसभा की तरफ से। जैसे कि देश के आज इस वक्त हमारे साथ दूसरे भी कार्यकर्ता है, शिवसेना कार्यकर्ता जिनसे हम बात करेंगे। आज उद्धव बाला साहब ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये देखना कि सियासत में उनका कहीं ना कहीं वर्चस्व था, लेकिन आज यह परिस्थिति है कि शिंदे गुट के अलग होने के बाद कहीं ना कहीं शिवसेना पूरी तरह से नहीं लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। और आज उद्धव बाला साहब ठाकरे इनका जन्मदिन है, इसके उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, और जैसा कि हम तुलनात्मक स्वरूप से देखा जाए तो तुलनात्मक प्रश्न के रूप में देखा जाए तो जो महाराष्ट्र के विद्यमान उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने उनका जो जन्मदिन है सेवा दिन के उपलक्ष्य में मनाया गया था, और बैनर का उसके बैनर को इतनी प्राथमिकता न देते हुए उन्होंने सेवा कार्य किया। इस ऐसी कौन सी योजनाएं आपने की है क्या? आज माननीय उद्धव जी ठाकरे इनका जन्मदिन है, इस उपलक्ष्य में हमने लोगों की सेवा में आज जो मरीज है जो ग्रामीण भाग में उस हॉस्पिटल में हमने फ्रूट्स वाटप का प्रोग्राम रखे है, और ग्रामीण भाग में आसोला में वहाँ पे जो गोर गरीब शेतकरी वर्ग है वहाँ पे उनको छतरी वाटप का प्रोग्राम रखे है। आज की आपने देखा होगा शिवसेना इतने सालों से शिवसेना का एक ही काम रहा है कि शिवसेना लोगों की सेवा में रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तो लोगों की सेवा करना यह शिवसेना से सीखा है, लेकिन जो बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, भारतीय जनता पार्टी को अभी तक लोगों की सेवा किस पद्धति से करनी चाहिए वो आज तक उन्हें भी पता नहीं है, क्योंकि शिवसेना हर समय हर साल लोगों को खून देके ब्लड डोनेट करके लोगों को काम करती है। और आप देखा जाए तो माननीय उद्धव जी ठाकरे इन्होंने जो अभी गया हुआ समय था उसमें जो सीएम पद का जो काम किया है, जो काम की पद्धति थी वो पूरे देश ने देखी है, उनका कुछ गिने चुने मुख्यमंत्रियों में उनका भी नाम आया था। इसका मतलब आप ये सोच सकते हो कि माननीय उद्धव जी ठाकरे आने वाले, ये तो सिर्फ सीएम का एक पद था लेकिन वो मुख्य प्रधानमंत्री के इसमें वो सबसे उत्तम और सक्षमी नेता बन सकते हैं। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा आज पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव बाला साहब ठाकरे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जिस प्रकार से शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जोश में आकर आज भावी प्रधानमंत्री के बैनर लगाए हैं उन्होंने, और साथ ही साथ उसी परिप्रेक्ष्य में कार्य भी चल रहा है, तो आखिर देखते हैं आगे के परिप्रेक्ष्य में किसकी सरकार आती है। और आगामी चुनाव को कुछ ही समय का वक्त बचा हुआ है, और ऐसे संगठनात्मक कार्य किस प्रकार से किए जाते हैं, जैसा कि हमने जाना सभी कार्यकर्ताओं ने आज उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में काफी योजनाएं चलाई है, मरीजों की सेवा की है, और जैसा कि बोला शिवसेना कार्यकर्ता ने बोला कि शिवसेना से ही भारतीय जनता पार्टी ने सेवा करना सीखा है, ये तो जनता ही जानती है और हम सब भी जानते हैं। इसी के साथ कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं मनीष टिमरे, NBC न्यूज के लिए नागपुर।